आज मैं आप सबको दिखाऊंगी बेलगांव का सबसे फेमस रोल आइसक्रीम जो है खाऊ कट्टा एट बेलगांव। यहाँ पे आज हम आए थे, आप देख सकते हो इनके यहाँ पे कस्टमाइज फेवरेट फ्लेवर्स आइसक्रीम आपको कस्टमाइज करके मिलेंगी एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी है। आज हमने ऑर्डर किया था यहाँ पे मिक्स बेरी रोल आइसक्रीम एंड ओरियो रोल आइसक्रीम। इसमें से सबसे पहले ये भैया आज हमें देंगे मिक्स बेरी रोल आइसक्रीम। अभी ये मिक्स बेरी का जूस इन्होंने मिक्स किया है एंड 1 कप ऑफ क्रीम ये लेंगे। ये ऐड करने के बाद में इन्होंने जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज किया एंड वेरी वेल ही मिक्स द आइसक्रीम विद द क्रीम एंड द फ्लेवर ऑफ 2 बेरीज मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर डिक्रीज करने के वजह से आइसक्रीम जो है वो पूरा फ्रीज हो चुका है। आप सबको पता होगा कि ये सबसे फेमस आइसक्रीम है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये फ्रीज होके ये भैया हमें सर्व करेंगे। इन्होंने सर्व करते टाइम पे एक डिश में हमें जो ये दोनों रोल्स है वो ऐड किए, जो मिक्स बेरीज का हमने इनको बोला था फ्लेवर वो उन्होंने फ्लेवर ऐड किया। उसके बाद में इन्होंने सम जेलीज ऐड की एंड ड्राई फ्रूट्स ऐड किए इसके अंदर। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक, हाउ डिलीशियस ही मेक द डिश एंड आई रियली लव्ड इट। आप सब भी इनके यहाँ पे विजिट कीजिए एंड ये इन्होंने लिया था हमारा सेकेंड रोल बनाने के लिए जो मैंने पहले आपको बताया था ओरियो फ्लेवर का। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड क्विकली ये रोल बनाया, डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर एंड डिक्रीज होने के बाद में वेरी वेल ही मिक्स द क्रीम विद द ओरियो फ्लेवर एंड यहाँ पे आइसक्रीम जो है वो पूरा फ्रीज हो चुका है। इन्होंने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर यहाँ पे ऐड किया एंड यहाँ पे रोल बना के हमें एक डिश में इन्होंने सर्व किया। सर्व करने के बाद में इन्होंने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर ऐड किया विद द ओरियोज। यहाँ पे छोटे छोटे चॉकलेट स्मॉल पीसेस उन्होंने ऐड किए थे एंड ये भी देखिए इतना डिलीशियसली इन्होंने बनाया था। हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस डिश को एंड आप भी जाइए इस जगह को विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए द रोल आइसक्रीम।